मैथ नाइन्थ का एनसीईआरटी से दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलीनोमियल से, हिंदी होता है बहुपद। तो इस पार्ट में बहुपद की परिभाषा नहीं बतलाना मजबूरी है, क्योंकि बहुपद की परिभाषा को समझने के लिए ये दोनों क्वेश्चन का आना जरूरी है। समझ गया? तो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए पहले बेस होता है। अब मैथ को बनाने के लिए हर हाल में क्या सीखना जरूरी है? सबसे पहले इक्वेशन, है ना? इक्वेशन जानने के बाद ही मैथ बनता है। तो कोई भी चैप्टर है, इक्वेशन मान लो जान गया, अब मैथ इजी हो जाएगा। लेकिन हर एक चैप्टर का अपना एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है गहरी जानकारी, इस चैप्टर में क्या क्या ऐसा टॉपिक आने वाला है हिसाब बनाने के क्रम में, इसको समझना बेहद आवश्यक होता है, तब तू हिसाब बना पाओगे। तो क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम है बहुपद, लेकिन ये हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसका संबंध बहुपद से ही है। ये दोनों को समझ जाओगे, खास करके पहला क्वेश्चन, तब बहुपद समझना इजी हो जाएगा। तो यही देखो, और इससे भी पहले हम बेस ऑफ अलजेब्रा में ही बतला दिए हैं, दो टर्म होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर, यानी एक होता है वेरिएबल, हाँ नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अस्थिर, जो कभी नहीं हिल डोल करता है, यानी जिसका वैल्यू जो है। अच्छा बतलाते हैं, वैसे ये बेस ऑफ नॉन वेरिएबल ही इसको कहते हैं, प्योर इंग्लिश होता है कांस्टेंट। तो चर, चर का अर्थ होता है इंग्लिश में वेरिएबल होता है, लेकिन हिंदी में समझ लो, एक गाय को खुट्टा में बांध दो तो वह चर सकती है, घास चर सकती है, नहीं चर सकती है, है ना? और इसका डोरी खोल दो गाय के गर्दन से तो वह गाय स्वतंत्र हो जाती है कहीं भी चरने के लिए, एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे, इस तरह उसके सामने में इलाका का मैदान फैला हुआ है। तो चर यानी घूमने वाला, बदलने वाला, इंग्लिश वेरिएबल। तो वेरिएबल का जन्म हुआ है भैरी से, भैरी करना, भैरी करना का अर्थ होता है बदलते रहना, समझा? इसी से बना है वेरिएबल, यानी इसी से। अब इसको समझो, जैसे भैरी, अब तू यहाँ से मार्केट चला, सब्जी खरीदने के लिए 100 रुपया दे दिया गया, मार्केट गया तो मन हुआ सिनेमा देख ले, अब वहाँ जा कर के मन बदल गया, जब हॉल पर गया तो देखा जो उसमें जो फिल्म लगी है, सोचा बगल वाला हॉल में देखे, तो वहाँ गया तो एक दूसरी फिल्म लगी हुई है, अब पहले हॉल वाला फिल्म को देखे कि दूसरे हॉल वाला फिल्म को देखे, यानी मन, मनुष्य का मन बदलता रहता है निजी। तो हम लोग कहेंगे हम लोगों का मन जो है भैरी कर रहा है, बदल रहा है, मुर्गा खाएं कि मछली खाएं कि सादा भोजन खाएं, सब कुछ है, तो देख करके मन बदलता रहता है, ओह मछली का बहुत अच्छा टेस्ट है तो मछली खा ले, फिर मुर्गा बना हुआ है उसके ओर देखे हुए तो मन बदल गया, नहीं मुर्गा खाते हैं, सेंटेड है, इसके बाद खीर बनी हुई है, चलो खीर का स्वाद ही कुछ और है, यानी मन बदलता रहता है। तो हम लोगों का मन क्या है? भैरी करता है। तो जो बदलता रहता है, बदलने योग्य है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जो कभी नहीं और कहीं नहीं बदलता है उसको कहते हैं कांस्टेंट, अंग्रेजी में अचर, अ मतलब नहीं, चर, चर मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला या जिसका मान नहीं बदलता हो। तो ये सब की जानकारी दे दिए हैं, फिर भी देखो, जैसे अगर हम लोग कहेंगे x प्लस वाई बराबर 3 है, तुम कह सकते हो इसमें x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा बोलो तो? x बराबर 3 माइनस वाई। यहाँ रुको, अगर हम लोग कहते हैं x प्लस वाई बराबर, ध्यान से बतलाया हुआ टॉपिक है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं,
बोलो x का y का मान कितना होगा, कितने मान होंगे x का मान और y का मान कितने होंगे यहाँ, हो सकता नहीं है। हाँ कितना संख्या में बोलो, दो x का y का एक या सब का एक। अरे मेरा प्रश्न है x प्लस y बराबर अगर 3 है तो x और y के कितने वैल्यू होंगे, कितने मान होंगे? अनंत मान होंगे। अनंत शब्द कहाँ कोई बोला? अगर x बराबर एक ले तो y बराबर 2 होगा, शून्य से शुरू करो, x बराबर 0 ले तो y बराबर 3 होगा, 0 जोड़ 3 बराबर 3। अगर x बराबर एक ले तो y बराबर 2 होगा, तब ना 1, 2, 3। अगर x बराबर 2 ले तो y बराबर 1, 2, 1, 3। x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 0, तो 3 जोड़ 0 बराबर 3। x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर बोलो 4 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। जैसे 4 में जोड़ो माइनस 1 तो 4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 3 हुआ। इसी तरह मान लो x का मान 5 लेंगे तो 5 में कितना जोड़ेंगे, तो ये बेस ऑफ अलजेब्रा में ये सब हम टंच कर दिए हैं, 43-44 पार्ट में है। तो 5 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। इसी तरह डॉट 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 x बराबर मान लो हम एक करोड़ लिए, कहें दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000, 10,00,00,000। एक करोड़ में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, 99,00,000, 99,997 घटाएंगे एंड माइनस माइनस इसमें जोड़ेंगे। जैसे 5 में माइनस 2 जोड़े तो 3 हुआ, तो 1 करोड़ में कितना जोड़ेंगे, 99,00,000, 99,997 माइनस में, सही है? हाँ सही है। फिर 1 करोड़ 1 ले सकते हैं, 1 अरब खरब, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये तो प्लस में लिए, अगर x बराबर मान लो माइनस 3 लेंगे तो माइनस 3 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 6 जोड़ेंगे। ये तो प्लस में दिखलाए, फिर माइनस में दिखलाओगे, कहने का अर्थ x प्लस y बराबर 3 है तो पहला विकल्प x एवं y के एक मान होंगे, गलत है, एक के मान नहीं हो रहा है, x एवं y के दो मान होंगे, x एवं y के अनंत मान होंगे, तो क्या सही होगा? अगर x प्लस y बराबर 3 है तो x और y के देखो तो x के ही अनंत मान हो रहे हैं और y के भी अनंत मान हो रहे हैं। अगर x बराबर 1 करोड़ है तो y बराबर माइनस 99,99,997 है। अगर x बराबर 3 है तो y बराबर 0 है, यानी x और y बराबर 3 में x और y के वैल्यू अनंत हैं। अगर सीधी सी बात पूछी जाए जो x प्लस y बराबर 3 तो x बराबर क्या, इसका आंसर क्या होगा? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि x के अनंत मान होंगे, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं x प्लस y बराबर 3 में x और y का मान अज्ञात है। अज्ञात है का मतलब इतना है, तू क्या आंसर दोगे, अनंत मान है। तो इसका अर्थ है जब, जैसे चर किसे कहते हैं, अचर, इस टॉपिक पर हम आ रहे हैं, यहाँ x और y का मान क्या है, फिक्स नहीं है, बदल रहा है, बदल रहा है। अगर x बराबर 2 तो y बराबर 1, x बराबर 3 तो y बराबर 0। तो अगर किसी पद का, जैसे देखो ये समीकरण है, समीकरण सब तो बतला दिए हैं, फिर भी किसे कहते हैं, तो x प्लस y बराबर कोई भी संख्या दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं किसका मान नहीं ज्ञात है, अज्ञात है, तो x और y का, है ना इसी बात? तो दिए गए समीकरण में जिस पद का मान, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ,
दिए गए समीकरण में या व्यंजक में, वैसे व्यंजक किसे कहते हैं बतलाने जा रहे हैं, तो दिए गए व्यंजक या समीकरण में जिस पद का वैल्यू हमें अज्ञात रहता है, नहीं जानकारी रहती है जो इसका क्या वैल्यू होगा, यह निकालना पड़ता है, यानी ज्ञात नहीं है, तो जिस पद का वैल्यू ज्ञात नहीं रहता है, जिस पद का वैल्यू या मान निकालना पड़ता है, उस पद को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। याद रहेगी बात। अब ये बोलो तो कहीं पर दिया हुआ है 2x + 3 = 8, इसमें किसका मान अज्ञात है, x का मान अज्ञात है, इसीलिए x कहलाएगा वेरिएबल हिंदी में। चार सब बातें पिछली बातें याद आ रही हैं बेस ऑफ अलजेब्रा की, तब इसके बाद और चार समझ गया। ये तीन के बारे में सोचो तो x और y को जोड़ते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमें 3 आता है। क्या ये 3 हो या कोई भी संख्या हो, कब भी बदलता है। अगर मान लो 3 मार्कर को हम इंडिया में, इंडिया के किसी भी स्टेट में ले जाएंगे तो गिनती से कहेगा 3 है। भारत छोड़ करके अमेरिका में 3 मार्कर ले जाएंगे, पूछेंगे कितना मार्कर है, तो बोलेगा 3। विश्व के किसी भी कोने में तो गिनती की संख्या में 3 आ रहा है मार्कर। तो गिनती की संख्या हो या कोई भी वास्तविक संख्या हो, चाहे परमेय हो या अपरमेय हो, वह बदलता नहीं है। एक दर्जन अगर 12 होता है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता है, विश्व के कोने कोने में होता है। 12 अंडा लेंगे तब गिनती में कहेंगे 12 है, यानी 12 कहीं बदलेगा नहीं ना बदलेगा। तो संख्याएं हमेशा, चाहे संख्याएं जो हो, परमेय हो अपरमेय हो, संख्याएं कभी नहीं बदलती है, इसीलिए संख्या को हम लोग अचर कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन इसमें देखो x और y का मान तो बदल रहा है, x का बदलता है, y का भी बदलता है ना, और अज्ञात भी है। तो दिए गए इक्वेशन में या व्यंजक में जिसका मान हमें निकालना पड़ता है उसे हम वेरिएबल कहेंगे, जिसका मान ज्ञात नहीं रहता है उसे वेरिएबल कहेंगे। और गिनती की संख्या हो चाहे कोई भी संख्या हो, संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अचर, कांस्टेंट। तो ये दोनों बात रिपीट हो गया, समझ गया। पहला क्वेश्चन है बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझा। तो दो तरह की बात होती है, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस मान लो 2x + 5 इतना ही लिखे, तो ये कैसा है, तो ये है देखो पहला पद, ये दूसरा पद है ना। पहला पद में एक वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है, एक चर है दूसरा अचर है, और दूसरा पद में सिर्फ अचर है, कांस्टेंट है। तो ये दो पदों का एक समूह है, जिन दो पदों के बीच में किसका प्रयोग किया गया है, तो बीजगणितीय चिन्ह का। अलजेब्रा में जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब एक प्रकार का चिन्ह है, बराबर एक प्रकार का चिन्ह है, बट्टा ये सब चिन्ह है ना, इसे बीजगणितीय चिन्ह कहेंगे। अगर एक या एक से अधिक पदों के बीच, जैसे सिर्फ लिखेंगे 3x² तो ये एक ही पद है। क्यों एक पद है, क्योंकि 3 के साथ एक्स स्क्वायर का गुणा किया गया है। अब फिर मान लो हम लिख देते हैं -y, तो अब कितना पद हो गया, एक पद, हाँ ये दूसरा पद। तो बीजगणितीय व्यंजक एक या एक से अधिक पदों के समूह को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, जिन पदों के बीच का चिन्ह बीजगणितीय चिन्ह होता है, प्लस माइनस रहे, कहीं कहीं गुना भी रहेगा, भागा भी रहेगा,
समझ गया, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। फिर समझो बीज गणितीय व्यंजक को समझो। समझ क्या समझा? दो पदों के बीच जब कोई चिन्ह। चलो बोलो तो ये बीज गणितीय व्यंजक है? हाँ है। ये नहीं है? नहीं, दो पद। पहले हम परिभाषा ही लिख देते हैं। बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो देखो, एक या एक से अधिक पदों, पद तो समझ गया, के बीच बीज गणितीय चिन्हों का जब प्रयोग होता है, पोस्ट में लिख दिया बराबर, ये बराबर का चिन्ह है ना, ये बराबर या बराबर हिंदी में भी लिख दिया है और गणित के साइन के रूप में भी लिख दिया है। बराबर को छोड़ करके बीज गणितीय चिन्ह जोर घटाओ गुना भाग बराबर बटा ये सब हो गया, तो इसमें एक या एक से अधिक पदों के बीच बीज गणितीय चिन्हों का जब प्रयोग होता है बराबर को छोड़कर, तो एक पद या एक से अधिक पदों के समूह को बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे एक्स, सिर्फ एक्स लिखेंगे, यह एक व्यंजक कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ही पद है, एक्स लिखो, थ्री एक्स स्क्वायर लिखो, फाइव, हाँ बतलाते हैं चिन्ह का प्रयोग, पीछे में प्लस छिपा हुआ है, एक से अधिक पदों के बीच में चिन्ह का प्रयोग होगा, एक सिंगल पद में क्या प्रयोग होगा, फाइव वाई क्यूब है डॉट डॉट डॉट, तो एक्स क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थ्री एक्स स्क्वायर, एक पद है, ये एक पद वाला व्यंजक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, समझा? दो पद वाला अगर हम लोग कहते हैं फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई टू एक्स प्लस एम, देखो पहला पद फाइव एक्स स्क्वायर, दूसरा पद थ्री वाई, तो दो पद के बीच में बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब एक से एक, एक में तो कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, जब होगा एक से अधिक में, तो एक या एक से अधिक पदों के बीच किसी भी बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग होगा, एक बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग हो या दो बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग हो, लेकिन बराबर का उपयोग नहीं हो, बराबर का प्रयोग नहीं हो। इसमें देखो ये हो गया बीज गणितीय व्यंजक, अगर यहीं पर रहता फाइव एक्स स्क्वायर बराबर थ्री वाई तो ये व्यंजक नहीं कहलाता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाता, क्योंकि बराबर का प्रयोग हो चुका है। व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें बराबर का प्रयोग नहीं होता है, हाँ पदों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें बराबर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बराबर को छोड़कर अन्य बीज गणितीय चिन्हों का प्रयोग होता है। नहीं, हाँ क्योंकि बराबर का प्रयोग है, यहाँ हम लिख दिए क्वेश्चन में, बराबर को छोड़कर एक या एक से अधिक पदों के बीच बीज गणितीय चिन्हों का जब प्रयोग होता है बराबर को छोड़कर, तो एक पद या एक से अधिक पदों के समूह को बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो पद है, दो पदों के बीच में प्लस का प्रयोग है, इसमें कितना पद है, एक पद थ्री एक्स फोर का पावर फोर, एक दो तीन, और तीनों पद के बीच में बीज गणितीय चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन बराबर का प्रयोग नहीं है। यहीं पर अगर बराबर दे दो तो अब ये व्यंजक नहीं कहला करके समीकरण कहलाएगा, उससे नहीं अंतर पड़ता है, वेरिएबल इसमें दो है तो इससे नहीं अंतर पड़ता है, अंतर पड़ता है बराबर का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कहेगा क्या यह एक व्यंजक है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, तो है, क्यों, क्योंकि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और तीनों पदों के बीच
देखो प्लस और माइनस का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये एक व्यंजक है, यहीं पर बराबर चीज दे दे तो ये व्यंजक नहीं कहलाएगा बराबर को छोड़ करके। तो इतनी बात को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया। तो समीकरण तो पढ़े भी हो, दो या दो से अधिक पदों के बीच अन्य बीजगणितीय चिन्हों के अलावे जब बराबर का प्रयोग होता है तो पदों के ऐसे समूह को समीकरण कहा जाता है। इसमें कम से कम दो पद होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 3x = 9, कितना पद दिखाई दे रहा है, एक पद 3x, दूसरा पद 9। तो दो पदों के बीच में बराबर का जब ये प्रयोग हो गया इसका मतलब अब ये हो गया इक्वेशन, समीकरण, है ना। ये हुआ पहला उदाहरण। मान लो दूसरा उदाहरण 5x² - 3x = 15 है। तो देखो दो या दो से अधिक पदों के बीच यहाँ 1, 2, 3 पद है, पदों के बीच अन्य बीजगणितीय चिन्हों के अलावे, यानी और बीजगणितीय चिन्ह जोड़ घटाव गुणा ये सब रहेगा इसको छोड़कर, जब बराबर का प्रयोग होता है तो पदों के ऐसे समूह को, ये पदों का जो समूह है ऐसे समूह को क्या कहेंगे, समीकरण या इक्वेशन। जब ये बराबर का प्रयोग नहीं है माइनस दे देंगे तो अब ये समीकरण कहलाएगा, बोलो तो नहीं, बराबर का प्रयोग जरूरी है एक और केवल एक बार, पदों के समूह के बीच में जहां भी बराबर का प्रयोग हो जाए तो समझो ये हो गया इक्वेशन, समीकरण। तो मेरे विचार से ये दोनों अब समझ गया है। अब अगले पार्ट में बतलाएंगे पॉलीनोमियल्स किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं।